हेलो एवरीवन, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे हमने चैप्टर 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दो टॉपिक कर लिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पढ़ेंगे। द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएशन ऑफ स्लाइड्स एंड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड्स। अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड टूल्स लाइक एडिटर्स दैट अलो इंसर्टेशन एंड फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, मैथड फॉर इंसर्टिंग एंड मैन्युपलेटिंग ग्राफिक इमेज अलॉन्ग विद साउंड एंड विजुअल इफेक्ट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में इनसे क्या होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और विजुअल, ये इससे हम ऐसी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं जिसमें विजुअल एड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं इसमें, एडिटिंग हम इसमें वीडियोज़ भी हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफिक किसी भी तरह का डिज़ाइन, टेक्स्ट के हम फॉर्मेट अलग अलग तरह से हम इनके डिज़ाइंस भी कर सकते हैं, फॉर्मेट अलग अलग तरह से हम टेक्स्ट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं वो, और जितना कंटेंट होगा उसी के हिसाब से हम स्लाइड्स को ऐड करके हम एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम साउंड इफेक्ट भी हम डाल सकते हैं, विजुअल इफेक्ट भी डाल सकते हैं, थ्री डी व्यू की हेल्प से हम कोई भी प्रोसेस है हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। टीचिंग में बहुत कॉमन यूज़ होता है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसके अलावा बिजनेस वगैरह या फिर कई जगह जहाँ पे प्रेजेंटेशन की हमें ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट करने के लिए सेम वैसा ही मेथड है जैसे हम बाकी यूज़ करते थे, वर्ड और एक्सेल जैसे हमने किया था और वर्ड किया था वैसे ही, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन देन गो टू ऑल प्रोग्राम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें वहाँ दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट अब एक्सेल और वर्ड पर नहीं जाएंगे, अब हम क्लिक करेंगे पावर पॉइंट पर क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन जो है वो क्रिएट करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है नेम ऑफ द ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पे शो होगा जिसका नाम होगा प्रेजेंटेशन 1.ppt, वेयर प्रेजेंटेशन 1, तो वो प्रेजेंटेशन जो हम तैयार करने के लिए हमारी फर्स्ट स्लाइड जो होगी उसका नाम है। .ppt क्या है, .ppt और .pptx इज द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट फाइल, तो ये क्या है, ये एक्सटेंशन है पावर पॉइंट फाइल की। ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो। यहाँ पे ये हमें स्टार्टिंग में जैसे टाइटल बार हमें पता है जहाँ पे हमें टाइटल नेम ऑफ द फाइल जो है हमें शो होता है, हम वर्ड में भी पढ़ चुके हैं और एक्सेल में भी पढ़ चुके हैं ये। इसके अलावा यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, तो ये इससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं स्क्रीन को और इससे मैक्सिमाइज कर सकते हैं और इससे हम स्क्रीन को या इसको क्लोज कर सकते हैं, डायरेक्ट हटा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑफिस बटन होता है, क्विक एक्सेस टूल बार इसको हम बोलते हैं, क्विक एक्सेल टूल बार, और ये रिबन है और रिबन में टैब्स आर प्रेजेंट, ये डिफरेंट टैब्स या फिर बटन इनको हम बोलते हैं, ये यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे स्लाइड व्यू टैब है क्योंकि ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे स्लाइड व्यू टैब है जिसमें स्लाइड्स जो हैं वो हमें शो होती हैं। ये स्लाइड थंबनेल है, ये थंबनेल जैसे हमें कई बार थंबनेल्स हमें कई बार अपने फ़ोन में भी हमें थंबनेल्स जो हैं वो दिखते हैं,
वही थंबनेल्स मींस ब्लैंक सी शीट्स हमें दिखाई देती हैं, तो वो क्या है, ये स्लाइड की थंबनेल्स हैं। ये एरिया जो है, ये जो एरिया है, ये एरिया जो भी है, ये इसको हम बोलते हैं स्लाइड पैन। स्लाइड पैन वो एरिया जहाँ पे बहुत सारी जितनी भी एक प्रेजेंटेशन में फाइल्स होंगी, अगर 18 फाइल्स होंगी प्रेजेंट पीपीटी तैयार कर रहे हो अगर आप एक, और उसमें इतनी सारी ये ब्लैंक्स उतनी सारी ये स्लाइड्स होंगी, 18 स्लाइड्स होंगी, तो वो सब 18 स्लाइड्स यहाँ पे शो होंगी। जिस एरिया में ये शो होती हैं उस एरिया को बोलते हैं स्लाइड पैन। और फिर यहाँ पे है जूम स्लाइडर। तो जूम स्लाइडर से क्या होता है, इसकी जो स्क्रीन जो है उसका साइज़ जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम कर सकते हैं जूम स्लाइडर स्लाइडर में जाके। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो जो नॉर्मल जो जूम होता है ये पीपीटी का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, वो है 69% और अप टू 400 जो है हम इसमें परसेंट जो है हम इसको जूम कर सकते हैं 400%। तो यहाँ पे नोट सेक्शन है, यहाँ पे अगर हमें कोई नोट लिखना है तो हम उसको पहले जो स्लाइड्स में हमें नहीं नोट किया है हम बाद में इसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम नोट सेक्शन में जाके हम टाइप करेंगे तो वो वहाँ यहाँ पे स्लाइड पे वो आ जाएगा नोट सेक्शन में फिर टाइप करने से। तो ये है स्टेटस बार जहाँ पे हमें ये स्टेटस बार है जहाँ पे हमें स्लाइड 1 of 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे स्लाइड 1 of 18 आएगा अगर हमारी 18 स्लाइड्स होंगी। तो यहाँ पे जो करंट स्टेटस बताता है, पेज नंबर बताता है कि हमारी फ़ाइल कौन सी इस टाइम ओपन है, कौन सा पेज ओपन है, तो उसमें हम ये सब देखते हैं। और रिबन देख चुके हैं हम कि रिबन में टैब्स आर प्रेजेंट। उसके अलावा यहाँ पे व्यू बटन्स हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे व्यू बटन्स के बारे में आगे डिटेल में। तो इन व्यू बटन में क्या है, इन व्यू बटन में जो है तीन बटन हमें दिखाई देते हैं। तीन बटन है, एक तो नॉर्मल व्यू का है, ये नॉर्मल व्यू है, ये स्लाइड ये जो फोर बॉक्स वाला हमें एक बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे व्यू बटन में ही इस तरह से। ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसमें हमें जितनी भी हमने स्लाइड तैयार की होंगी वो हमें सब एक साथ दिखाई देंगी। और एक जो है एक लास्ट बटन है जो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है थर्ड बटन जो है ये स्लाइड शो व्यू है, इसमें अगर हमें ये कंप्लीट स्क्रीन दिखाएगा जितनी कंप्यूटर की स्क्रीन है उतनी स्क्रीन पे एक कंप्लीट एक स्लाइड दिखाई देगी। जैसे हम प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं तो हम इसी थर्ड टैब को क्लिक करते हैं स्लाइड शो व्यू पे जाके, और इसमें हमें स्लाइड्स हमारी एक एक करके दिखाई देती हैं वो भी फुल स्क्रीन में। अब इनको पढ़ते हैं एक एक करके। कंपोनेंट ऑफ पावर पॉइंट, कंपोनेंट में फर्स्ट हमें पता है एज यूजुअल हम पढ़ रहे हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार जो है इसमें टाइटल का हमने ये पढ़ा है कि इसमें टाइटल्स जो हैं नेम ऑफ द टाइटल होता है और हमने देखा था स्टार्टिंग में ही मिनिमाइज मैक्सिमाइज या फिर क्लोज का ऑप्शन होता है, ये टाइटल बार है। रिबन जैसे वर्ड और एक्सेल में था सेम वैसे ही पावर पॉइंट में है रिबन। रिबन में हमने वर्ड और एक्सेल में हमने पढ़ा था कि रिबन जो होता है वो टॉप ऑफ द स्क्रीन पे प्रेजेंट होता है, और रिबन जो है ये क्या करता है, इसमें सेट ऑफ टूल्स और कमांड्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं टॉप ऑफ द स्क्रीन पे। और रिबन पे जो है 7 तरह के बटन हमने पढ़े थे वर्ड और एक्सेल में, तो वही सेम होंगे वैसे ही, बस कुछ यहाँ पे बटन डिफरेंट होंगे। जस्ट एज फ्यू टैब्स आर डिफरेंट लाइक एनिमेशन स्लाइड शो व्यू, वो इसलिए क्योंकि एनिमेशन जो है ये एक ऐसा फीचर है जहाँ पे आप ग्राफिक्स और जो वीडियोस को आप ऐड कर सकते हो जो कि आप एमएस एक्सेल में और वर्ड में नहीं कर सकते थे, MP4 आप ऐड नहीं कर सकते थे उनमें, वो आप इनमें ऐड कर सकते हो, इसलिए एनिमेशन और स्लाइड शो तो इसमें ही स्लाइड्स बन रही हैं तो स्लाइड शो का फीचर भी इसमें ही होगा। ये डिफरेंट है बाकी सेम है। तो बाकी क्या क्या हमने पढ़ा था,
बाकी हमने रिबन में पढ़ा था, यहाँ पे होम टैब पढ़ा था, होम के बाद इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू व्यू। तो वो हम रेफरेंस, पेज लेआउट और मेलिंग टैब नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम एनिमेशंस ये सब पढ़ेंगे। तो होम टैब में हमने पढ़ा था क्लिपबोर्ड होता है, क्लिपबोर्ड में क्या होता है, कट कॉपी पेस्ट होता है। फिर हमने स्टाइल्स पढ़ा था, स्टाइल्स में डिफरेंट स्टाइल के हम अल्फ़ाबेट जो है हम लिख सकते हैं, जिनमें किसी में स्पेस है, किन में स्पेस नहीं होती। एक एडिटिंग होती है, एडिटिंग में हम एडिटिंग कर सकते हैं उसमें। उसके बाद फॉन्ट होता है, उसमें हम कलर, साइज़, बोल्ड, इटैलिक, हम वो सब चेंज कर सकते हैं। फिर पैराग्राफ आता है, ये सब आता है होम टैब में। फिर